अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात चहरम के सबक नंबर 7, जिसका उन्वान है अल्लाह ताला के हुक्म। इसका सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर करें। अल्लाह ताला ने इंसान को डैश देकर तमाम मखलूकात में से बेहतर दर्जा दिया। खाली जगह में आएगा अक्ल व इल्म। नंबर 2, हम सब अल्लाह ताला की डैश हैं। खाली जगह में आएगा मखलूक। नंबर 3, हवा और पानी के बग़ैर हम डैश नहीं रह सकते। खाली जगह में आएगा ज़िंदा। नंबर 4, अल्लाह ताला के ज़रूरतमंद बंदों पर माल डैश करें और ज़कात अदा करें। खाली जगह में आएगा खर्च। नंबर 5, कुरान मजीद को पढ़ें, समझें और इस पर डैश करें। खाली जगह में आएगा आगे। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। नंबर 1, हकूक की हक की जमा है हकूक। नंबर 2, अगर इस्तेतात हो तो ज़िंदगी में हज ज़रूर अदा करें एक बार। नंबर 3, मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं माह रमज़ान के। नंबर 4, हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र शुक्र करें और डरते रहें उसकी नाराज़गी से। नंबर 5, ज़िंदगी के हर मामले में भरोसा रखें अल्लाह ताला पर। नंबर 4, कलम अलिफ को कलम बे से मिलाएं। अल्लाह ताला इस कायनात में मौजूद हर चीज़ का खालिक व मालिक है। हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए अता की हैं। उसकी ज़ात में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र जिक्र शुक्र करें। आज हमारा सबक नंबर 7, जिसका उनवान है अल्लाह ताला के हुकूक, ये मुकम्मल हुआ। आइंदा हम सबक नंबर 8 की पढ़ाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।